भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा NHAI पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। जमीन पर अवैध कब्जा मुआवजे की मांग को लेकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। 10 साल पूरा मामला फैजाबाद के गांव जावा का है, जहां NHAI पर किसान यूनियन भानु द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां किसानों की मांग है कि NHAI ने हमारी जगह पर कब्जा किया है और जिसका हमें सही मुआवजा दिया जाए, नेता हमारी जगह हमें वापस की जाए। NHAI की गलत बात है कि जितनी जगह किसानों द्वारा लिखा पढ़ी में दी गई है, उससे ज्यादा NHAI अपने मन से कब्जा कर रही है, जिसको लेकर किसान यूनियन भानु द्वारा NHAI पर धरना प्रदर्शन किया गया। जब इस बारे में किसान यूनियन भानु जिला अध्यक्ष राजकुमार से बात हुई तो उनका साफ साफ कहना था कि NHAI ने यह गलत किया है कि किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया है। अगर जल्द ही किसानों की उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया गया तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलेगा और उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय पर भी घेराव किया जाएगा। फैजाबाद से स्वराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। जी, किस तरह का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है? राजकुमार सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान भानु फिरोजाबाद। हमारा यहाँ तारीख 11 जनवरी से भारतीय किसान भानु का क्षेत्रीय किसानों के सहयोग से यहाँ NHAI द्वारा किसानों की गांव नेपई ग्राम सभा के शेखुपुर गढ़िया सिकमी और साथी गांव के 20 किसानों की जमीन NHAI ने बिना अधिग्रहण किए ज्यादा घेर ली है, और जो भी जमीन अधिग्रहण की गई है उसमें भी मुआवजा देने में सौतेला व्यवहार किया है। कुछ किसानों को 58 लाख रुपए प्रति बीघा का मुआवजा दिया गया है और कुछ को 3,60,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा दिया गया है। सरकार और NHAI ने किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। हमारी लड़ाई है, जब तक सभी किसानों को बराबर मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे, और जिनकी जमीन ज़्यादा घेरी गई है उनको भी उसका मुआवजा दिया जाए। हमारी नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। हम जिला मुख्यालय घेरेंगे और रोड जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, हटेंगे नहीं।